मैं सुबह से ही यहाँ दानापुर में बनी हुई हूँ। यहाँ पर फिजिकल का टेस्ट चल रहा है जो दरोगा अभ्यर्थी हैं उनका, और मैं लगातार आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, क्या हो रहा है अंदर, किस तरह से एग्ज़ाम लिया जा रहा है, ये सारा कुछ मैं दिखा रही हूँ। और एक चीज़ जो गौर करने वाली बात है वो कि मैं बहुत जो कैंडिडेट से जो बात की हूँ वो ज़्यादातर मुझे मसौढ़ी, जहानाबाद और औरंगाबाद के मिले हैं। अब मैं इनसे जानती हूँ, ये भी अभी निकल के आए हैं, मैं इनसे जानती हूँ कि आपका पहले नाम बताइए क्या है। अमरेंद्र पासवान। अमरेंद्र, कहाँ गए हैं आप? अरवल जिला। क्या बात है भाई, उधर के ही लोग ज़्यादा निकल रहे हैं? अरे ऐसा नहीं है, हर जगह निकल रहे हैं, ठीक है। तो और उधर थोड़ा हम तो ज़्यादा मतलब जिससे बात की है सब लोग उधर के ही हैं, मसौढ़ी हो, जहानाबाद हो, औरंगाबाद हो, अब अरवल जिला के मिल गए। हाँ उधर मतलब एक तरह से होता है ना कि ज़्यादा सब किसान के बच्चे हैं, ठीक है। और दूसरा है कि उधर रेत है, तो जब से मतलब ये रिजल्ट रिलीज हुआ है दरोगा का तो ज़्यादातर लोग रेत में अपना फिजिकल कर रहे हैं, तो रेत में अच्छा शुरू से ही कमाए हुए हैं। हाँ वो तो है, बहुत ही पहले से भी काफ़ी नामी चर्चित ये सब जगह है। क्या नहीं पता, मत पूछिए मैम हिस्ट्री। अच्छा, हिस्ट्री नहीं पूछते हैं आपके? हिस्ट्री में किसी अच्छा हिस्ट्री नहीं आती है? अच्छा कोई बात नहीं है, लेकिन हिस्ट्री में किसी का मतलब मगध साम्राज्य कहाँ लेके जा रहा है, कौन सा पीरियड में लेके जाएंगे आप, ठीक है। वैसे भी बिहार के जो बच्चे हैं वो अधिकतर आप कहीं भी ऑल इंडिया कहीं भी कर लीजिए, अच्छा, सबसे ज़्यादा मेहनती मिलेंगे। और कहीं भी यूट्यूबर से या फिर कोई भी न्यूज चैनल जो होता है आप पूछिए क्या बोलते हैं, हर कोई बोलता है कि बिहार के बच्चे अधिकतर मेहनत करते हैं। चलिए चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, ये अपना क्रेडिट नहीं लेना चाह रहे हैं, ये पूरे बिहार के बच्चे को ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे बिहार के बच्चे आगे हैं। चलिए मुझे ये बताइए कि आपने कैसे तैयारी की, फिजिकल का ये तैयारी किस तरह से की? फिजिकल का तैयारी हमारे मतलब क्षेत्र में एक ग्राउंड है, अमरा फील्ड बोलते हैं इसको, और वहाँ कुछ काम करवाने के लिए हमको जाना था एक आदमी से मिलकर, क्या बोलते हैं, खेल मंत्रालय के पास, तो अभी वो मिले नहीं है, शायद अंडरग्राउंड में ही है। तो वहाँ पर हम लोग 7 बच्चे थे, दरोगा अभ्यर्थी 7 थे, ठीक है। हाँ नहीं कोई तैयारी नहीं करते, हम सब आपस में ही करते थे, ठीक है, कंपटीशन आपस में ही चलता रहता था। तो एक का कल था, ठीक है, तो एकेडमी कोई ज्वाइन किए हुए थे तो डैमेज हो गया था पैर उनका, तो घर वापस आ गए, तो उनका नहीं हुआ, ठीक है। और मेरा आज था, और 13 तारीख को 2 और मेरे दोस्त आएंगे यहाँ पर, उसके लिए या तो हम रुकेंगे या फिर चले जाएंगे आज बात करके। अच्छा अब आपका सिलेक्शन तो सुनिश्चित है भाई कि हो ही जाएगा, अब मुझे ये बताइए कि बहुत लोग दरोगा की तैयारी जो करते हैं ना, क्या था दरोगा बन जाएंगे तो हम ये करेंगे, क्या दरोगा बनने के बाद घुस भी लेंगे? नहीं, बाद में तो लेंगे। नहीं, कैमरा के सामने बोल रहे हैं। अरे नहीं नहीं लेंगे ना, फिर हम आएंगे इंटरव्यू लेने। आइएगा फिर मुलाकात होगी, ठीक है। और कौन है आपके साथ में? अरे पापा और मेरे भाई। घर में किस तरह से आप लोग तैयारी करते थे, परिस्थितियाँ क्या थी घर की? घर की परिस्थिति आपको पता है कि गांव में थोड़ा सा परिस्थिति सबका कैसा होता है, स्थिति हमेशा एक जैसा नहीं होता है, मतलब पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कत होता है, उतना अच्छा टीचर भी नहीं मिल पाता है, तो ऑनलाइन पढ़ाई किए। और शुरू से भी हम मतलब फुआ के यहाँ पढ़े हुए हैं, ठीक है, अजदा गाँव बोलता है, सिकरिया पालीगंज क्षेत्र में पड़ता है, तो वहीं पर पढ़ाई हुई की। एक टीचर थे अरुण सिंह, उन्हीं के पास बहुत सख्त टीचर था, ठीक है, और उन्हीं के वजह से मतलब एक तरह से समझिए कि मेरा बेस कंप्लीट था। सारा कुछ वही तैयारी करवाया दरोगा का? दरोगा का ना, वो नहीं, मतलब एक तरह से बेस हमारा मजबूत था, सेल्फ स्टडी कर करके हम मतलब सेल्फ स्टडी से निकाला, सेल्फ स्टडी किया, देख रहे थे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दौड़ हो रहा है और क्या करेंगे। अरे ये बताइए कि माहौल कैसा था, लगाइए। अच्छा माहौल है वहाँ पे, ग्राउंड भी बहुत अच्छा है, बाहर में सिर्फ अफवाह फैलाए हुए अंदर भी कुछ फैन बहुत सब चीज़। किस तरह की अफवाहें हैं? वो बोला है कि पत्थर है या ग्राउंड तीखा है या कुछ, अंडरकार ग्राउंड है, दौड़ने के लिए बहुत अच्छा है। कितने दिन में आर फीस? 5:45 में मारे, 5:48 में मार दिए, 5:45 टाइम कितना दे रहा है, कितना मतलब फिजिकल में टोटल में टाइम कितना लग रहा है? मेरा आज 8 बजे था तो मैं अभी निकला हूँ। बाप रे बाप, भूखे प्यासे होंगे, पानी भी नहीं पिया होंगे? पानी तो पिए, व्यवस्था है, लेकिन अपने हिसाब से पीना या ज्यादा पी लीजिएगा फिर दौड़ नहीं पाइएगा। अच्छा मुझे ये बताइए कि ABCDE करके कुछ अंदर में है, और लोग मैं सुन रही हूँ कि कोई डी और ई तक जाते ही रुक जा रहे हैं, ई तक क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं और उसमें फेल हो जा रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या है ये, फिर भी नहीं उन्हें समझ में आ रहा क्या है ये, उनका दिक्कत है। डी तक जाना है, फिर डी 5 राउंड फिर ए से स्टार्ट करके फिर ए तक आना है, 5 राउंड करके ए से फिर ई तक जाना है। कैसे कैसे ये बना हुआ है ABCDE करके? ग्राउंड अंडाकार है, चारों ओर पर ABCDE लगा हुआ है, 5 चक्कर उसका लगाना है बस, फिर जहाँ से एंडिंग पॉइंट है
वहाँ से फिर 100 मीटर का जो है ना, 100 मीटर वहाँ से मतलब 500 और 100 मीटर का जो है अलग से 1600 मीटर है, कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, लोग नहीं समझ रहे तो अलग है, लेकिन कुछ अंदर में कुछ है नहीं, समझाने वाले भी समझा रहे हैं वहाँ तक जाने दौड़ने से पहले इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला बताइए, और आप हैं कहाँ के? हम समस्तीपुर के हैं। मुझे सफलता प्राप्त करी? जी जी, मैं क्वालिफाई कर गया। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए कि तैयारी आपकी कैसी थी, क्या कोई कोच वगैरह तैयारी? एकेडमी में, बिहार पुलिस एकेडमी में ही मैं कांस्टेबल हूँ, डीआई साहब के मैं बॉडीगार्ड में। अच्छा, तब तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं होगी? जी, प्रॉब्लम नहीं। तो आपके पद का भी लिवरेज मिला होगा? नो 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 नो, जनरल जाना पड़ता है, कोई इसमें जो है कोई आरक्षण नहीं। आपका नाम क्या हुआ? विवेक कुमार। विवेक कुमार से आप? अब तो आप ज़्यादा खुश हो रहे होंगे, अब तो दरोगा बन जाइएगा। हाँ, थोड़ा तो खुशी तो है। घूस उस भी लेना है? दरोगा बनने के बाद घूस उस भी लेना है? ऐसा कैसे कह दे, मतलब लेना है ये सब? देखिए आप, ऐसा अभी तक तो हम जब से कांस्टेबल में है, हम सेंटिंग में ही है। अच्छा। तो कभी मतलब जिला में नहीं गए, मतलब दिया मौका नहीं मिला, जो हम नहीं जा सकते हैं जिला में, हम सेंटिंग ही ट्वाइस कवर किए थे, मतलब मौका मिला घूस लेने का तो? ना ना ना। एक पद पे रहते हुए आपने किस तरह से तैयारी करी? वहाँ पे मतलब थोड़ा वहाँ की तो ऐसा ही जो ट्रेनिंग हो रहा था, थोड़ा मुझे भरोसा था, सबने हमको भी करना चाहिए, उन्हीं को देख के प्रेरणा मिला। मैं, ये मेरा सर है, मेरा हुआ है। अच्छा, वो आपके सर हैं? उम्र से नहीं होता है। हाँ, कोई उम्र से नहीं होता, ज्ञान होना चाहिए। अच्छा सर, आप इतना कम उम्र में कैसे ज्ञान प्राप्त कर लिए? बहुत हम टैलेंट आदमी, शुरू से हम टैलेंट है, जब हम 8 क्लास में पढ़े थे उसी समय से भाग दौड़ वाला काम जानते थे। तो सोनू को भी फेल कर दिया आप? मेरा आज तक में रनिंग जितना भी अपना रनिंग किए हैं, अभी तक कहीं रनिंग हम फेल नहीं किए हैं। अच्छा, जितना भी कहीं भी भर्ती में गए हैं तो हर जगह से आप क्वालिफाई किए हैं, लेकिन हमको नौकरी करने की इच्छा नहीं है, हम इसी से ज़्यादा कमा लेते हैं, नौकरी से ज़्यादा पैसे अकेडमी से हम कमा लेते हैं। हर बार कितने बच्चों को निकालते होंगे आप अकेडमी से? 350 लड़का लड़की मिला के आया है, इसमें से मतलब 250 पास करते हैं। अच्छा, आपका ये टी शर्ट में नेवी लिखा हुआ है? मेरे भाई है। अच्छा, घर कहाँ? मेरा रोस्ता घर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप अभी निकल गए हैं, कहाँ से, क्या नाम है? मेरा नाम कुमार है, सासाराम रोहतास जिला से आए। आपका पैर इस तरह से डैमेज कैसे हो गया आपका? ये मैम डैमेज नहीं है, ये कंकड़ को लगने की वजह से, मतलब उसको बांध दिया, मतलब नुकसान मत हो। अच्छा, बांध दिया जाता है पहले ही? पहले ही बांध लिए हैं कि कंकड़ पर ना लगे। आपको बांधा है या सब हर लोग इसी तरह से बांधते हैं? नहीं, ये शर्त है ना, तो यही बांधे हैं, बोले कि थोड़ा बांध दे रहे, दिक्कत उक्कत नहीं होगा। अच्छा, बाहर में ही बांध दिए? हाँ, बाहर। तो बाहर में बांधे तो अंदर आप गए तो चेकिंग नहीं हुई, मतलब कुछ बोला नहीं कि क्यों बांधे? कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसके लिए कोई दिक्कत का नहीं है। तो ये मददगार साबित हुआ? सर के पास एक मैंने ट्रेनिंग की है और पहले थोड़ा बहुत करते थे तो हमारा लगातार। अच्छा, मेरे लिए बहुत ही टफ चीज था, बहुत टफ चीज था। अच्छा, रिजल्ट निकलने के बाद तो काफी कम समय मिला, किस तरह से किए तैयारी? पहले तो थोड़ा बहुत करते थे, सर के पास गए तो बस हम रनिंग कराते थे, फिजिकल करवाते थे, मेहनत पूरा करवाए, थोड़ा दिक्कत तकलीफ तो होता था लेकिन आगे चलकर यही काम करते। चलिए, जिस तरह से आप अच्छा, मुझे एक मेरा एक सवाल और है कि अभी मैं बच्चों को देख रही हूँ कि फेल हो रहे हैं ज़्यादा रनिंग में, ऐसा क्यों? मैम, वजह यह है कि ज़्यादा टाइम अभ्यर्थियों को मिला नहीं दौड़ने के लिए, रनिंग के लिए, फिजिकल तैयारी के लिए, और ऊपर से मौसम का हाल चाल आप देख ही रही हैं, तो शायद ये भी कारण हो सकता है, टाइम कम मिलना प्लस में मौसम का आता है तो कोई एलिफेट में सीख नहीं आता, शायद यही होगा, सबको सीखना पड़ता है। उनको आते हैं तो पहले पहले में थोड़ा अपने से करते थे, घर पर एडमिट कार्ड लिए हुए आप? सर के पास है, एक महीने हो गया। नहीं, 0.1 हाइट कम हो गया है। हाइट कम हो गया, मतलब सारा कुछ निकाल लिया, हाइट कम गया, तो हाइट पहले से आपका नहीं है था कंफर्म? और ऐसा उसी का था कि हम बाहर कर दिया गया। अच्छा, 0.1 से बाहर कर दिया गया, बाबा वहाँ बोले थे कि एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो एप्लीकेशन दिए? एप्लीकेशन नहीं दिए, दे दीजिए, जिसको पकड़ने के बाद निश्चित तौर पे सफलता मुमकिन हो ही नहीं जाएगा। अच्छा, पूछ लीजिएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप कोच हैं और मुझे ये बताइए कि अभी मैं ज़्यादातर स्टूडेंट का सुन रही हूँ कि बहुत लोग दौड़ में फेल हो जा रहे हैं,
क्या कारण रहा होगा अंदर में कि वो दौड़ में फेल हो जा रहे हैं? घर पे मतलब जो तैयारी करते हैं अपने फील्ड में तो हो रहा है पूरा, और यहाँ पर फेल हो रहा है। जैसे कि रनिंग फेल होने का रीजन जो हम लोग का रिपोर्टिंग टाइम था, जैसे 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, 9 बजे तो अपने रिपोर्टिंग टाइम पर रनिंग नहीं किया, जो घामा में जो रनिंग प्रैक्टिस किया रहेगा उसको दिक्कत नहीं हो तो कबो गर्दा फर देगा। जो अभी मतलब सुबह में रनिंग किया जैसे कि 7 बजे 6 बजे रनिंग कर लिया तो इससे गलत है। जैसे हमको मान के लिए रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे है तो अपने रिपोर्टिंग टाइम दौड़ेंगे, लेटे दौड़ेंगे, 11 बजे रनिंग अपना यहाँ पर ग्राउंड में स्टार्ट करेंगे। नहीं तो आप जैसे कि सुबह दौड़ेंगे तो दिक्कत होना ही होना है, क्योंकि अभी गर्मी इतना है, धूप है, जब हम धूप में प्रैक्टिस करके आएंगे तो अभी तो धूप में तो कोई हमको दिक्कत नहीं है। जो लड़का सुबह रनिंग किया होगा तो अभी उसको रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे इस तरह से आईओ क्यों कर रही है रिपोर्टिंग टाइम को शॉर्ट टाइम? ये गड़बड़ है, उसको नहीं करना चाहिए। जैसे कि मान के पहले ही हिम्मत तोड़ दे रही है, तोड़ने का तो हिम्मत तो वैसे कोई बात नहीं कि तोड़ेगा, जिसका दम रहता है तो कबो निकल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं कि मतलब घाम मिले चाहे छाया मिले उससे कोई मतलब जो रनिंग किया है वो कर सकता है। लेकिन एक में गलती है, रिपोर्टिंग टाइम पर अपना नहीं ले रहे हैं, किसी के 7 बजे रिपोर्टिंग वाला ले रहे हैं, 9 बजे 8 बजे 8:30 बजे रनिंग स्टार्ट करें, तो भी एक भी गलती है। लेकिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम पर होना चाहिए, लेकिन जो लड़का है अपना टाइम पर प्रैक्टिस किया है तो ऐसे आप करेंगे तो थोड़ा अधिक लड़का फेल हो जाएगा, क्योंकि वो अपना टाइम पर रिपोर्टिंग पर रनिंग वहाँ किया है, थोड़ा सा मुश्किल खड़ा हो जाता है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।